हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू शोमी चौधरी ब्लॉग। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेड डम्पलिंग्स, जिसे आप मोमो भी कहते हो, वर्ल्ड फेमस है। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। लौकी लिया यहाँ पे 500 ग्राम, प्याज 300 ग्राम, ग्रेटेड जिंजर 2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, अजीनोमोटो 1.5 टेबल स्पून, जिंजर ग्रेटेड जिंजर, नमक एज पर टेस्ट, और अजीनोमोटो जिसे कोई कोई लोग अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं और वीचिंग के नाम से भी जानते हैं। आप जितनी पतली हो सके आप उतनी पतली कट कीजिए। ये है ग्रेटेड जिंजर जिसके बारे में बता रही थी। आप सभी को मिक्स कीजिए, फिर अच्छी तरह से हैंड से स्मैश कीजिए। हो सके तो एक स्मैशर से भी स्मैश कर सकते हो, लेकिन इतना भी स्मैश मत कर दीजिए कि एकदम पेस्ट कंसिस्टेंसी हो जाए। आप लोग ऐसे मतलब लाइटली प्रेस करके ही स्मैश कीजिएगा। फिर ये जब मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, 6 से 7 घंटे के लिए मिनिमम, मैक्सिमम 1 या 1.5 दिन के, मतलब 24 घंटे के लिए, ठीक है। 24 घंटे के बाद या फिर 6 से 7 घंटे के बाद आप लोग जो मतलब ये सब्जियां से जो पानी निकलेगी उसे आप स्क्वीज करके निकाल देंगे। फिर आप मोमोज में स्टफिंग करेंगे, वो पानी को आप डिस्कार्ड कर देंगे। किसी भी सब्जी में वब्जी में मत डाल दीजिएगा, वो पानी को आप डिस्कार्ड करके ही फिर उसे अच्छी तरह से आप लोग मोमोज में ऐड कर सकते। फिर ये मैरिनेशन के टाइम आप लोग 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल भी डाल दीजिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल आप जो भी यूज़ कर सकते हो वो आप डाल दीजिएगा। फिर इसे अच्छी तरह से 2 या 3 मिनट के लिए मैश कीजिएगा। अब हम लोग नॉर्मल कढ़ाई पे या फिर तवे पे हम लोग कुछ ग्रीन चिली और कुछ सूखी लाल मिर्च को लेके हम लोग ड्राई रोस्ट कर देंगे। उसके बाद सफ़ेद तिल को हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे 100 ग्राम के करीब। आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे बादाम डाल दिए, 200 ग्राम के करीब बादाम डाले, और इसे भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। कच्चा भाव ना रहना चाहिए, कच्चेपन ना रहना चाहिए। फिर दो बड़ा जो ड्राई टमाटर पके हुए टमाटर है या फिर 3 छोटे टमाटर को लेके हम लोग उसे अच्छी तरह से जलाएं, मतलब वो एक चाट, जब स्किन एक चाट कर मतलब फ्लेवर आ जाए टमाटर के अंदर, तब हम लोग इसे उतार लेंगे, स्किन को पील कर लेंगे ताकि एक चाट फ्लेवर आ जाए। ये टेस्टी लगती है बहुत। आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो टमाटोज को, अगर किसी को चाट फ्लेवर अच्छी नहीं लगती है तो। प्लीज़ बॉइल्ड मत कीजिए, बॉइल्ड करके स्किन मत निकालिए, उसका टेस्ट अलग है और इसका टेस्ट अलग है। इसे हम लोग प्लेन जो मैदा होता है उसे 500 ग्राम के करीब हम लोग ने गूंथ लिए मैदे को, प्लेन रूम टेम्परेचर वाटर और एक चुटकी सॉल्ट ऐड करके मतलब नमक ऐड करके हम लोग इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। और जो चपाती की डो होती है उसे थोड़ी सी हार्ड रहनी चाहिए, ये डो चपाती या पूरी की डो जो सॉफ्ट रहती है उससे थोड़ी हार्ड रहनी चाहिए। मोमोज की डो हमेशा याद रखिए, मोमोज की डो हमेशा हार्ड रहनी चाहिए। और जब आप उसे बेलेंगे ना तो आप आटे से या तेल से बेलें, ये आप ज़रूर आटे मतलब वो जो प्लेन आटा होता है मतलब मैदा उससे ही आप बेलेंगे, ना कि आटे से। सॉरी मैंने गलती से आटा बोल दिया, प्लीज़ डोंट माइंड। देखिए आप एक बड़ा सा रोटी के आकार में बनाएंगे, फिर आप मतलब कोई भी कटोरा या फिर कुछ भी डिब्बे के ढक्कन से हम लोग इसे स्मॉल स्मॉल सर्कल्स में कट कर लेंगे। पहले आप बड़ा सा दिए शॉर्टकट है, आप लोग चाहे तो छोटे छोटे मतलब पूड़िया की तरह भी, पूड़िया से छोटी होती है शायद,
आप अपने एक एक करके जो आप बेल सकते हो आपकी मर्जी, लेकिन ये फास्ट इजी एंड फास्ट वे है, इजी भी है इसे ऐसे बनाने में। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो जैसे आपकी मर्जी। आप इसे फिर स्टफ करेंगे हम लोग और मनचाहे शेप देंगे। देखिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और कोई गलती हो जाए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो यहाँ तक प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को दबा दीजिएगा। ये जो तिल, चिली, टोमेटो, पीनट सॉल्ट और एक मतलब पिंच ऑफ शुगर ऐड करेंगे, और इसकी पेस्ट जो टमाटर वो सब जो हम लोगों ने ड्राई रोस्ट की थी उसे स्वाद अनुसार नमक और एक पिंच ऑफ शुगर के साथ हम लोग ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से स्मूथ बैटर होने तक। देखिए मैंने ये पानी को निचोड़ के ही मैं स्टफिंग कर रही हूँ, पानी को लेके स्टफ मत कीजिएगा। वो जो वेजिटेबल्स को नमक ऐड करेंगे तो उसके बाद 6-7 घंटे के बाद पानी छोड़ देगी, कद्दू से सॉरी लौकी से पानी छोड़ेंगे तो फिर आप लोग वो पानी को डिस्कार्ड कर दीजिएगा प्लीज़। फिर आप मनचाहे शेप दे दीजिएगा। आप लोग स्टफिंग ऐड करने के बाद आप लोग पानी से सील कर दीजिएगा, ये अगर तक फटती नहीं है। पानी से अगर आप मुंह को सील कर देंगे, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ अभी, पानी लगा के हाथ पे फिर उसे सील कर दीजिएगा, वो अच्छी तरह से चिपकती है और कभी भी फट के बाहर नहीं आती है स्टफिंग। ये बात, ये टिप्स आप एक बार आजमा के ज़रूर देखिए। मुझे पता है आप लोगों को पता है, आप लोग मुझसे अच्छे मतलब शेफ हो, फिर भी मैं बता रही हूँ। मैं मोमो स्टीमर में कर रही हूँ मोमोस, और देखिए थोड़ी सी अनफ्लेवर्ड ऑयल को रब कर देंगे नीचे, फिर आप लोग मोमोस को रखेंगे नीचे। देखिए इस तरह से बिना ऑयल ब्रश किए आप मोमोस मत रखिए, फिर आप स्टीम कीजिए जब तक कि ना अच्छी तरह से ये कुक हो जाए और ट्रांसपेरेंट लुक हो जाए, तब तक आप इसे कुक कीजिए मिनिमम 25-30 मिनट्स। तो हम लोग के मोमो अब रेडी हो चुकी है, तो तक के लिए बस इतना ही, मिलते आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय। मेरी रेसिपीज आप लोगों को कैसी लगती है वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाय।